अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के इस संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसे देश का, एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो समता और समरसता के मूल्यों पर आगे बढ़े और जहाँ पर पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब और कमज़ोर को समानता के अवसर मिले। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हम इन शोषित तबकों को बराबरी का और सम्मान का अधिकार देने में अक्षम साबित हुए हैं। आज भी हालात ऐसे हैं कि देश की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% की आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई, लेकिन इतने वर्षों के इस आरक्षण व्यवस्था के लागू होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रालयों में आज उनकी भागीदारी महज 9% तक पहुंच पाई है। और इसी प्रकार 1993 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू हुआ, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज भी केंद्रीय मंत्रालयों में उनकी भागीदारी महज 5.5% ही पहुंच पाई है। और हमारे देश के अखबारों की सुर्खियां बनती है ऐसी खबरें कि एक दलित युवक घोड़ी पर चढ़कर शादी करने के लिए जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, एक दलित महिला को, युवती को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। ऐसी खबरें छपती हैं कि एक दलित यदि किसी सवर्ण से प्रेम कर ले तो उसको जान से मार दिया जाता है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व करता है, गौरव करता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और घृणास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है कि इतने वर्षों में भी हम दलितों और पिछड़ों को, शोषित तबकों को सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। और मैं तो ये कहूँगी अध्यक्ष महोदय कि ये किसी एक सरकार या राजनीतिक दल का विषय नहीं है, बल्कि ये जाति की बेड़ियों में जकड़े हुए समाज की कुंठित मानसिकता है। और जब तक हम इस मानसिकता का सामना नहीं करेंगे तब तक हम इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज दलितों पर उत्पीड़न निरंतर हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है और ऐसी एक नहीं तमाम घटनाएं हो रही हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े हैं इस बात को साबित करते हैं। 2013 में 39,408 मामले, वर्ष 2014 में 40,401 मामले, वर्ष 2015 में 38,670 मामले और वर्ष 2016 में 40,801 अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। लेकिन मैं कहूंगी कि ये वो आंकड़े हैं जो मामले दर्ज हुए हैं, ऐसे न जाने इससे कहीं बड़ी संख्या में वो मामले हैं जो कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं दर्ज नहीं हुए हैं। निरंतर ये उत्पीड़न और शोषण की कहानी चल रही है, इसलिए समय की आवश्यकता है और किसी भी सरकार की ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि सबसे पहले देश के कमजोर तबकों को, देश के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों को हम सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करें। और इसलिए ही, इस उद्देश्य से ही 1989 में ये बिल, ये कानून आया था। लेकिन 20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया, इस कानून की जो व्याख्या की गई आर्टिकल 18 की, इसे पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया और ऐसी इसकी आख्या की गई, ऐसी इसकी व्याख्या की गई कि इस पर पूरी तरह से अंकुश लग गया और इसका महत्व ही खत्म हो गया। और इस कारण पूरे देश के अंदर आंदोलन हुए, पूरे देश के अंदर जनता आक्रोशित हुई, उनमें असंतोष आया, जो बहुत स्वाभाविक था। अगर दलितों के हक, अधिकार और सम्मान पे इस प्रकार का आक्रमण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा तो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जनता आंदोलित होगी, आक्रोशित होगी। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया और आज वो रिव्यू पिटीशन अभी विचाराधीन है और ये स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट कब तक अपना निर्णय सुनाएगी। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक हो जाता है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी जांच करेगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकारी कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी होगी और गैर सरकारी कर्मी को अरेस्ट करने को एसएसपी से मंजूरी लेनी होगी, एससीएसटी एक्ट के आरोपियों को भी अग्रिम जमानत का अधिकार है, ऐसी परिस्थितियों में इसको बदलने के लिए सरकार के लिए आवश्यक था कि संशोधन विधेयक लाए। और इसलिए सरकार ने नया आर्टिकल ए और उसके अंदर नया सबसेक्शन 1 और 2 जोड़ने का काम किया है, जिसके तहत अब इस तरीके के अपराध की शिकायत मिलते ही पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं होगी।
गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है और केस दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, भले ही इस संबंध में पहले का कोई अदालती आदेश हो। सेक्शन 438 के प्रावधान इस एक्ट के तहत किसी भी मामले पर लागू नहीं होंगे, कोर्ट के किसी निर्देश पर भी ये नहीं लागू होंगे। ये संशोधन नितांत आवश्यक था, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी और ये बहुत न्याय संगत भी है, इसलिए मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से इसका स्वागत करती हूँ, इसका समर्थन करती हूँ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि बार बार ये समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं, बार बार इस प्रकार की परिस्थितियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि जिस कोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं जो दलितों और पिछड़ों के विरोध में आते हैं, उस कोर्ट के अंदर, हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अगर न्यायाधीशों को उठाकर देखा जाए तो कोई एक भी न्यायाधीश हमें दलित या पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति का नहीं मिलेगा और यही इस समस्या की मूल जड़ है। और जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी, ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा विरोधी फैसले आते रहेंगे और संसद में बैठकर हम सभी विवश होंगे कि बार बार उस पर मंथन करें और बार बार सरकारें उसके संशोधन के लिए कानून बनाएं। तो अगर इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें ऐसा रास्ता प्रशस्त करना होगा, ऐसा मार्ग बनाना होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, उसके अंदर न्यायाधीशों के पद पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी हो। और इसके लिए आवश्यक है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत भी है, उसका गठन किया जाए, उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। मैं अपनी पार्टी की ओर से माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय की इस परंपरा पर अगर फुल एंड फाइनल लगाम लगानी है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन करें और दलितों और पिछड़ों को न्यायाधीशों के पद पर देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस संशोधन का स्वागत करते हुए मैं सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी बात को समाप्त करती हूँ।